नमस्कार, समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। भारतीय समाज और साहित्य के महान संत कबीरदास के जन्म के बारे में कोई प्रामाणिक तथ्य तो नहीं है, लेकिन अलग अलग तबके के लोग अलग अलग तारीखों पर उनका जन्म दिवस मनाते हैं। आजकल भी उनके जन्म के बारे में जिक्र हो रहा है। कबीरदास ने दरअसल भारतीय समाज और साहित्य में अपने जिस दर्शन को सामने रखा वो इतना वृहद है कि आगे चलकर कई महान संतों और दार्शनिकों के साहित्य का आधार कबीर का यही दर्शन बना। संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, तुलसीदास और महात्मा गांधी तक के जीवन और साहित्य में कबीर और उनके साहित्य की छाप जरूर मिलती है। कबीर की सोच और उनका साहित्य दरअसल मेलजोल और समाज को जोड़ने का दर्शन है। कबीर किसी एक धर्म के नहीं हैं, वो सबके हैं। उनकी अनोखी शैली इस तरह की थी कि वो किसी धर्म का विरोध भी नहीं करते थे, लेकिन धर्म, जाति, पंथ, संप्रदाय के नाम पर समाज को बांटने वालों की खूब खबर भी लेते थे। वो पथभ्रष्ट समाज को सही रास्ते पर लाने की कोशिश अपनी लगभग हर रचना में करते हैं। उन्हें समाज की बुराइयां व्यक्तिगत रूप से न सिर्फ प्रभावित करती हैं बल्कि उन्हें गहरी चोट भी पहुंचाती हैं। कबीर कथनी की जगह करनी को तरजीह देते हैं। वो आडंबर की जगह आचरण और इंसान के भीतर छिपे सत्य को उकेरने की कोशिश करते रहे। उनकी यही सोच उन्हें उस दौर से लेकर आज के दौर तक का सच्चा नायक बनाती है। आज विशेष में बात कबीर की, तो शुरू करते हैं आज का विशेष। तो मध्यकालीन भारत के समाज और साहित्य को जिन लोगों ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, कबीर उनमें से एक हैं। कबीर एक समाज सुधारक हैं, विचारक हैं, कवि हैं। कबीर एक विचारधारा हैं और खुद अपने आप में एक संस्था हैं। 14वीं सदी के आखिर में जब कबीर का जन्म हुआ, तब यह साधारण सी घटना रही होगी। उनके जन्म की तारीख, जन्म के स्थान और उनकी जननी को लेकर तमाम तरह की कहानियां प्रचलित हैं। हालांकि तकरीबन सभी इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि उनका बचपन एक साधारण जुलाहे घर में गुजरा और आगे भी उन्होंने बेहद साधारण जीवन जिया। लेकिन कबीर असाधारण हैं। वो जन्म और मृत्यु के सवालों से परे हैं। मौजूदा दौर में कबीर की अहमियत इस बात से समझी जा सकती है कि वो स्कूल में पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन 21वीं सदी में हिंदी साहित्य की पढ़ाई उनके बिना अधूरी है। अपने करीब 100 साल के जीवन में कबीर ने जितना कहा और लिखा है, वो आने वाले हजारों वर्षों के लिए सबक है। कबीर सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, वो लोगों के जीवन में समाये हैं। कबीर सबसे ज्यादा रेलेवेंट है मध्यकाल के कवियों। कवि तो बहुत सारे हुए हैं, एक से एक महान कवि हुए हैं, लेकिन जो सार्थकता कबीर की है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कम होने का सवाल नहीं है, बढ़ती जा रही है। अब सवाल ये है कि वो कौन सी बातें हैं जो कबीर को अमर बनाती हैं? दरअसल कबीर का सारा जीवन सत्य की खोज और असत्य के खंडन में बीता है। कबीर महज विचारक नहीं है, वो मान्यताओं को तोड़ने वाले और गलत परंपराओं का तिरस्कार करने वाले समाज सुधारक हैं। वो किसी के शिष्य नहीं रहे, बल्कि उनकी चेतना स्वयं से जागृत हुई। वो धर्म, जाति, वर्ण और क्षेत्र की दीवारों से ऊंचे हैं। कबीर मानववादी हैं, यथार्थवादी हैं। वो समाज में बराबरी के समर्थक हैं। वो धार्मिक कुरीतियों पर सीधे चोट करते हैं। कबीर अपने आप में रहस्य हैं, उन्हें समझना आसान नहीं है। कबीर मानने से ज्यादा जानने में यकीन रखते हैं। कबीर हिंदी के उन कवियों में से हैं, बल्कि दुनिया के उन कवियों में से हैं जो किसी एक समय के नहीं, पूरे समय के पूरे प्रवाह में उनकी अर्थवत्ता बनी हुई है। लेकिन मौजूदा समय में कबीर इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि कबीर एक ऐसे कवि हैं जो यह बताते हैं कि जहाँ प्रतिरोध है उसके साथ साथ गहरी करुणा भी होनी चाहिए। कबीर धर्म विरोधी नहीं है, लेकिन धार्मिक रूढ़ियां उन्हें नहीं सुहाती हैं। वो हिंदू और मुस्लिम में भेद नहीं करते हैं। वो स्वामी रामानंद को अपनी चेतना जगाने वाला गुरु मानते हैं, लेकिन तमाम फकीर और संतों के साथ समय गुजारते हैं। उनके साथ रहकर
दुनिया और समाज की समझ विकसित करते हैं। उनकी सरल भाषा और शैली लोगों को आकर्षित करती है। मैनी, सबद और सारवी उनकी कृतियां हैं, जो पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी, पूर्वी और ब्रज जैसी भाषा और बोलियों की खिचड़ी है। मतलब कबीर किसी एक बोली के बंधन में भी नहीं बंधे हैं। वो लोक यानी लोगों की भाषा में उनसे बात करते हैं। कबीर भाषा, धर्म, समाज और समय की दीवारों से परे हैं। कबीर अपने समय से आगे हैं और अनंत काल तक अमर हैं। और शायद इसीलिए वो कहते हैं कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय सामाजिक जीवन को अपनी क्रांतिकारी चेतना से प्रभावित करने वाले महापुरुषों में कबीर का नाम सबसे ऊपर आता है। कबीर ने अपने समय की सामाजिक कुरीतियों और विषमताओं को न केवल पहचाना बल्कि उसे समाज से दूर करने के लिए अथक प्रयास किए। हालांकि कबीर के जीवन और उससे जुड़ी बातों पर विद्वानों में एक राय नहीं है, लेकिन फिर भी जान लेते हैं कबीर दास के जीवन के बारे में। राम नाम के पट तरे देबे को कुछ नाहीं, क्या ले गुर संतो किए हांस रही मन माही। मध्यकालीन भारत में सामाजिक चेतना को जगाने वालों में से एक कबीर दास भक्ति काल के ऐसे कवि रहे हैं जिन्होंने समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश की। कबीर दास के जन्म और पालन पोषण को लेकर कई किंवदंतियां हैं। कबीर पंथियों का मानना है कि कबीर का जन्म 1398 में काशी में लहराता तालाब के किनारे हुआ था। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि कबीर जन्म से मुसलमान थे और युवा अवस्था में स्वामी रामानंद के प्रभाव से उन्हें हिंदू धर्म की बातें मालूम हुईं। कबीर ने खुद कहा है, हम काशी में प्रकट भए हैं, रामानंद चेताए। कबीर दास के माता पिता के बारे में भी एक राय नहीं है। माना जाता है कि नीमा और नीरू नाम की जुलाहे ने इनका लालन पालन किया। कबीर दास ने अपने सखियों में अपना नाम कबीर ही कहा है। कबीर ने खुद को जुलाहे के रूप में बताया। उन्होंने कहा, जाति जुलाहा नाम कबीरा, बनी बनी फिरो उदासी। कबीर के जन्म के बारे में तो प्रामाणिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से नहीं मिलता, लेकिन किंवदंतियाँ काफ़ी प्रचलित रही हैं। ये माना जाता है कि जो है वो माता पिता उनके थे या नहीं थे, इसमें संदेह है। तो माता पिता के अभाव में उनका बचपन जो है कठिनाई में ही बीता है, बहुत संघर्षपूर्ण स्थितियों में ही बीता है। कबीर ने स्कूली शिक्षा हासिल नहीं की थी। माता पिता की स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि उन्हें पढ़ने के लिए मदरसे में भेज सकें। इस कारण कबीर को किताबी ज्ञान नहीं मिला। लेकिन कबीर ने हिंदू मुसलमान का भेद मिटाकर हिंदू भक्तों और मुसलमान फकीरों का सत्संग किया और दोनों की अच्छी बातों को आत्मसात किया। कबीर दास ने खुद कहा है, मसीह कागज छुवो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कबीर के जन्म और बचपन के बारे में बहुत कम जानकारियां, प्रामाणिक जानकारियां उपलब्ध है। कुछ किंवदंतियां हैं, कुछ जनश्रुतियां हैं जो अलग अलग कारणों से फैली हुई है। कबीर को जानने के लिए उनके जन्म और उनके बारे में जो जनश्रुतियां हैं उनको जानना बिल्कुल ज़रूरी नहीं। कबीर क्या थे, कबीर के बारे में जानने का सबसे बड़ा साधन उनका अपना साहित्य है। उनके अपने साहित्य में भी कई तरह की मिलावट बाद में आ गई है, लेकिन उसमें जो कुछ भी अच्छा है उसको समझने में किसी भी तरह की भूल नहीं हो सकती। माना जाता है कि कबीर की शादी लोई नाम की स्त्री से हुई थी और उन्हें एक पुत्र कमाल और पुत्री कमाली थी। लेकिन कबीर को कबीर पंथ में बाल ब्रह्मचारी और वीरानी माना जाता है। कबीर पंथ के अनुसार कामात्य उनका शिष्य और कमाली और लोई उनकी शिष्या थी।
कबीर ने लोई की चर्चा अपनी सखियों में भी की है। उन्होंने कहा है, कहत कबीर सुनहु रे लोई, हरि बिन राखन हार न कोई। कबीर दास ने एक जगह अपने पुत्र कमाल का भी उल्लेख किया है। बुढ़ा बंस कबीर का उपजा पूत कमाल, हरि का सुमिरन छोड़ के भर ले आया माल। पूरा जीवन ही कठिनाइयों में बीता है। युवावस्था में भी बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी, आय का साधन नहीं था, खुद कमा के खुद खाना पड़ा। और अपने परिवार के बारे में, अपने पुत्र के बारे में, पुत्री के बारे में जो जिक्र किया है, वो भी कमाल और कमाली। तो वो खुद भी ऐसा लगता है कि खुद भी वो उन्हें कमा के खाना पड़ता था। कबीर को भी कमाना पड़ता था, उनको भी कमाना पड़ता था। और कपड़ा बुन के स्वरोजगार की भावना उनमें थी और ये इसी आधार पर वो अपना जीवन यापन करते थे। कबीर शांतिमय जीवन के पक्षधर थे। वे अहिंसा, सत्य और सदाचार के प्रशंसक थे। उन्होंने आम बोलचाल की भाषा में अपनी बातें कही ताकि वो ज्यादा से ज्यादा आम आदमी तक पहुंच सके। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से मशहूर है। बीजक के तीन भाग हैं, रमैनी, सबद और सारवी। कबीरदास का पूरा जीवन काशी में ही गुजरा, लेकिन अपने अंतिम समय में वे मगहर चले गए और सन 1518 में मगहर में ही उनका निधन हो गया। हालांकि उनके निधन की तिथि को लेकर भी जानकार एकमत नहीं है। हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वामी तुलसीदास के बाद इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व शायद किसी दूसरे कवि का नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कबीर दर्शन में जाति धर्म का कोई बंधन स्वीकार नहीं है। वो धर्म और जाति के नाम पर समाज को बांटने वालों पर न सिर्फ गहरा कटाक्ष करते हैं बल्कि उन्हें फटकार भी लगाते हैं। वहीं उनके दर्शन में कर्म को भक्ति का ही अंग माना गया है। अपने दौर में रूढ़ियों पर जिस साहस और शक्ति से उन्होंने प्रहार किया, उसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। इतिहास में कबीर ऐसे महान विचारक और संत के तौर पर याद किए जाएंगे जिन्होंने समय की बीड़ियों को लांघते हुए अनंत काल के लिए आम जनमानस को एक सच्चे इंसान के रूप में जीने की सही प्रेरणा दी और रास्ता दिखाया। भारतीय दर्शन में जीव यानी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारा गया है। कबीर ने भी जीवात्मा और परमात्मा को एक सत्ता माना है, पर माया के प्रभाव में दोनों का अलग अलग विश्लेषण भी किया है। कबीर माया से दूर रहने की सलाह देते हैं। वो माया को प्राणियों को खा जाने वाली पिशाचिनी बताते हैं। कबीर माया ढाकड़ी, सब की सही को खाई, दांत उपाणो पापड़ी, जय संतो नेड़ी जाई। आप कबीर को देखेंगे तो कबीर प्रतिरोध के कारण प्रसिद्ध हैं, लेकिन कबीर को पढ़ने वाले जानते हैं कि वे गहरी करुणा के भी कवि हैं। तो करुणा और प्रतिरोध का एक समन्वय इस युग में बहुत जरूरी है, और इस नाते मुझे लगता है कि कबीर आज ज़्यादा प्रासंगिक है। खासतौर पर कबीर की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह है कि तमाम माया जालों को छांट कर जो कर्म कांड आज के युग में रखें, तो तमाम विचारधाराओं का जो घटा टोप है उसको छिन्न भिन्न करते हुए सीधी सच्ची सरल बात कह पाना, ये कबीर जैसे कवि की विशेषता है। कबीर के दर्शन की एक और खास बात यह है कि उसमें मोक्ष का भी जिक्र है। कबीर मोक्ष के लिए मुक्ति, निर्वाण, परमपद जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। वो आत्मबोध या ज्ञान प्राप्ति को भी मोक्ष का जरिया बताते हैं। वो पंच तत्वों से मुक्त होकर ब्रह्म में लीन हो जाने की भी बात करते हैं। पंच तत्व मिली का काया, कीनी तत्व कहाने कीन रे, करम बंधु तू जीव कहत हो, करम ही कीनी जीव दीनू रे। दूसरी तरफ कबीर के समाज दर्शन की बात करें तो वो धर्म, कर्मकांड और बाहरी आडंबर में फंसी जनता का पक्ष लेते नजर आते हैं। उन्होंने धर्म का कभी विरोध नहीं किया, लेकिन धर्म आडंबर पर कड़े से कड़े प्रहार करने से नहीं चूके। दरअसल कबीर अपनी रचनाओं के जरिए एक ऐसे समाज की परिकल्पना करते हुए नजर आते हैं जहां भाईचारा हो, जीवन में सरलता हो और जाति पाति पंथों से निरपेक्ष हो। एक बूंद एके मलमूतर, एक चाम का गूदा, एक ज्योति में सब उत्पन्ना, कौन बाह्मन कौन सूदा। प्रेम सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए उनकी साखियों में प्रेम को अंग, गुरु को अंग, शब्द शब्द ब्रह्म है, ईश्वर, मूर्ति पूजा का खंडन किया। मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं, प्रेम चाहिए, मनुष्यता चाहिए,
माया, बल्कि माया कुछ नहीं है, माया भ्रम पैदा करती है। तुम अपने धर्म पर चलो, अपने जीवन विश्वास पर चलो, सत्य अहिंसा इन सबको महत्व देते थे। कबीर इंसानियत को भूल केवल अपने धर्म तक सीमित रहने वालों पर कड़े प्रहार भी करते हैं। पहान पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहार, या तो ये चक्की भली पीस खाए संसार। उनका एक और कटाक्ष उनकी पीड़ा और रोष दोनों को दर्शाता है। कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ताचंदी मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खुदाए। उनकी रचनाओं में हिंदू मुस्लिम भेदभाव पर गहरी चोट देखने को मिलती है। वो दरअसल हर हाल में हृदय की शुद्धता को महत्व देते हैं। वो मानते थे कि हिंदू मुसलमान दोनों का विश्वास ईश्वर में है। कबीर ने इसी विश्वास के आधार पर दोनों समाजों को एक करने की कोशिश भी की। सबद सरूपी जीव पी बुझो, छोड़ो भय की ढेक, कहे कबीर और नहीं दूज, जुग जुग हम तुम एक। सबसे बड़ी अहमियत तो मैं यह देखूंगा जो उस पूरे भक्ति आंदोलन की अहमियत है कि उन्होंने संन्यास पंथ का विरोध किया। उन्होंने कहा कि आप अपना काम करते हुए भी ईश्वर के नज़दीक जा सकते हैं, मन की भावना अच्छी होने चाहिए और आपकी जीवन शैली सादी होनी चाहिए। आप कबीर जिंदगी भर कपड़ा बुनने का काम करते रहे, उन्होंने कभी भी काम करना छोड़ा नहीं। कई साहित्यकार कबीर के दर्शन को निर्गुण आराध्य पर आधारित बताते हैं। कहा जाता है कि यह दर्शन उपनिषदों की अद्वैतीय भावना से प्रभावित है, लेकिन कुछ साहित्यकारों का मानना है कि कबीर का दर्शन सगुण निर्गुण दोनों से परे है, जबकि कुछ कहते हैं कि कबीर का ब्रह्म निरंजन है और अजन्मा भी, उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। कबीर को मूलतः आध्यात्मिक भी कहा जाता है। उन्होंने संसार और सांसारिकता के बारे में अपने काल में इतना कुछ प्रभावशाली तरीके से कहा कि आज भी सब कुछ प्रासंगिक लगता है, और उसमें भी आध्यात्मिक स्वर खासतौर पर मुखर दिखते हैं। कबीर का दर्शन मानवता और आध्यात्म का मिला जुला स्वरूप है। कबीर कभी साधक दिखते हैं, कभी कवि, कभी क्रांतिकारी तो कभी समाज सुधारक। वो जिस भी रूप में अपने ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं, उसी रूप में उसे वर्णित करते जाते हैं। कुल मिलाकर कबीर के साहित्य दर्शन में जो अंतिम भावना छिपी मिलती है, वो एक दूसरे के लिए प्रेम और सम्मान से भरे आदर्श समाज की भावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कबीर दास को कोई औपचारिक शिक्षा नहीं मिली, इस कारण उनकी खुद की लिखी एक भी रचना उपलब्ध नहीं है। ऐसा माना जाता है कि उनके शिष्यों ने उनकी वाणी को शब्द का रूप देने का प्रयास किया और बाद में इसे कबीर साहित्य के नाम से प्रकाशित किया गया। कबीरदास के नाम से मिले ग्रंथों की संख्या अलग अलग लेखों के अनुसार अलग अलग है, इस कारण उनमें एकरूपता भी नहीं है। लेकिन जान लेते हैं कबीर के साहित्य के बारे में। कबीर की कविता का एक एक शब्द धर्म के नाम पर पाखंड करने वालों को उजागर करने वाला और असत्य और अन्याय की पोल खोलने वाला है। दरअसल कबीर ने अनगिनत साधुओं और फकीरों के सत्संग में ज्ञान अर्जन किया था। इनमें नाथ सिद्ध परंपरा के योगी भी थे, वैष्णव साधु भी थे और सूफी फकीर भी। इन सबके विचारों का गहरा असर पड़ा कबीर पर, और यही असर उनके साहित्य और कविता में भी देखने को मिलता है। कबीर कहते हैं, दशरथ सुत तेहूं लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। नहीं, मूलतः कबीर जो है निर्गुण धारा के ही कवि हैं, हालांकि उन्होंने सगुण का भी जिक्र किया है, लेकिन कहते हैं कि मेरा जो राम है वो राम नहीं है जो दशरथ का पुत्र है, ये उससे अलग है, ये वो भी नहीं है जो अयोध्या में राजा बना था, वो भी नहीं है, दशरथ का पुत्र वो भी नहीं है, हमारा तीनों लोक से न्यारा राम है। निर्गुण ब्रह्म में मानते थे, सगुण को नहीं मानते, वो तो मूर्ति पूजा का खंडन ही किया है उन्होंने। कबीर के साहित्य में किसी एक विचारधारा या धर्म की छाप नहीं दिखती। उन्होंने अगर अद्वैत की अवधारणा भारतीय ब्रह्मवाद से ली तो वैष्णवों से अहिंसा का सिद्धांत लिया, इसी तरह नाथ सिद्धों से अगर अंतस्सा धना की विधि ली तो सूफी फकीरों से प्रेम का तत्व लिया। अनपढ़ होने के बावजूद भी उन्होंने अपने साहित्य में इनका इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने काव्य में अनेक सुंदर और चमत्कारी बिंब और रूपकों को जगह दी जो आम जनता में लोकप्रिय होने के साथ उनका मार्गदर्शन भी करती हैं। उनके काव्य का प्रमुख विषय अलग अलग धर्मों में मौजूद कुरीतियों और अंधविश्वासों का विरोध करते हुए अपने विचारों का प्रचार करना है।
इसके लिए उन्होंने अपनी कविता के जरिए समाज में फैली बुराइयों पर कड़ा प्रहार किया। दरअसल कबीर की भाषा सधुकड़ी भाषा है, जिसमें उन्होंने ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, राजस्थानी और पंजाबी तक का इस्तेमाल किया। वो हिंदी के पहले जन कवि हैं, महाकवि भी कहना चाहिए। हिंदी भाषा को एक साहित्य का दर्जा दिलाने वाले सबसे बड़े कवि कबीर ही हैं, सबसे पहले कवि। उससे पहले हिंदी को लोकभाषा माना जाता था, लेकिन कबीर जैसे कवि ऐसे थे जिन्होंने हिंदी को एक साहित्यिक भाषा का दर्जा दिलाया। वह भी ऐसी भाषा में जो सीधी सरल भाषा थी, और वह भाषा ऐसी हो गई कि आप देखें कि बहुत सारे संप्रदाय उसको धार्मिक उपदेश की तरह ग्रहण करते हैं। यहाँ तक कि गुरु ग्रंथ साहब जैसी कृति में भी सबसे ज़्यादा कबीर की वाणी। बीजक, आदि ग्रंथ और कबीर ग्रंथवली को कबीर का प्रामाणिक साहित्य माना जाता है। इनमें बीजक कबीर के सिद्धांतों का मूल ग्रंथ माना जाता है। हालांकि इसके संग्रह की कोई निश्चित तिथि नहीं है। बीजक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें पदों को रागों में विभाजित नहीं किया गया है। बीजक को 11 अंगों में बांटा गया है। इनमें रमेनी, शबद, साखी, ज्ञान चौंतीसा, विप्रमतीसी, कहरा, वसंत, चाचर, बेली, बिरहुली और हिंडोला शामिल हैं। बीजक में छंदों की कुल संख्या 619 है। आज के जमाने में जो सबसे महत्वपूर्ण टर्म जो सामाजिक जीवन में है वह धर्मनिरपेक्षता। कबीर में उस कूट कूट कर भरा हुआ है। न वो जाति को मानते हैं, न धर्म को मानते हैं, न संप्रदाय को मानते हैं। तुलसीदास पे तमाम तरह के आरोप लगते हैं कि वो जातिवादी थे, ये थे वो, लेकिन कबीर पे नहीं। हिंदू मुसलमान सबको मानवता का संदेश दिया, मनुष्य एक है। धर्म जाति संप्रदाय को महत्व नहीं दिया, सबको ऐसा मानने वालों की आलोचना की, निंदा की। आदि ग्रंथ को भी बीजक के समान ही प्रमाणित माना जाता है। इसमें मुख्य रूप से कबीरदास की उन रचनाओं को शामिल किया गया है जिससे गुरु अर्जुन देव के सामने उनके जानकारों ने प्रस्तुत किया था। इसमें कबीर की रमैनियों को शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा काशी की नगरी प्रचारणी सभा ने 1988 में कबीर ग्रंथवली के नाम कबीर की वाणियों का एक संग्रह प्रकाशित किया। इस ग्रंथवली में 809 साखियां, 16 राग, 403 पद और 7 रमैनियां हैं। कबीर के साहित्य में जहां दर्शन, आध्यात्म, ज्ञान और वैराग्य की चेतना मिलती है, वहीं उनके साहित्य में समाज सुधार का चिंतन भी मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस बीच ये सवाल भी उठता है कि 21वीं सदी में कबीर कितने प्रासंगिक हैं और हम उनकी शिक्षाओं के जरिए अपने जीवन में किस तरह के बदलाव ला सकते हैं। देख लेते हैं कि कबीर क्या कह रहे हैं। और जाते जाते आपको याद दिला दें, हमारा ये कार्यक्रम आप YouTube पर भी देख सकते हैं और वहाँ आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। नमस्कार। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और गला काट प्रतियोगिता के दौर में भी कबीर का महत्व कम नहीं है। कबीर रूढ़ियों, परंपरा और अंधविश्वास से परे रहने का सबक देते हैं। वो बताते हैं किस तरह सादा जीवन जीकर लोग अपनी जिंदगी आसान बना सकते हैं। कबीर के दोहे सिर्फ किताबी नहीं हैं, उनके दोहे जीवन शैली हैं। बस जरूरत है उन्हें समझने की और अपने जीवन में ढालने की। कबीर आपसी विद्वेष खत्म करने और एक दूसरे से जलन की प्रवृत्ति के खिलाफ हैं। वो कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यानी मोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, लेकिन वे सभी विद्वान नहीं बन सके। वो कहते हैं, जो प्रेम के ढाई अक्षर अच्छी तरह पढ़ ले, वही सच्चा ज्ञानी है। और जीवन के हर एक पक्ष पर उन्होंने कुछ ना कुछ कहा है, और जो कुछ कहा है बेलाग होकर कहा है, खरी खरी कहा है, और वो बात सीधे समझ में आती है। उसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कबीर की विशेषता है, यह साहित्य में धीरे धीरे कम होती जा रही है। आजकल का साहित्य लोगों को समझ में नहीं आता है कि वह उनसे क्या कहना चाहता है। कबीर की परंपरा में हम प्रेमचंद को रख सकते हैं, जो जनता से उन्हीं की भाषा में बात करते हैं। इस तरह के तमाम कवि हैं, नागार्जुन है, या
कहने का मतलब वे कवि हैं जो सीधी सच्ची भाषा में जनता से जुड़ी बातों को, जनता की जीवन शैली के बारे में, कैसे जीना चाहिए, कैसे एक अहंकार मुक्त आडंबर मुक्त जीवन जिया जा सकता है, इसकी बात करते हैं। कबीर कर्म में यकीन रखते हैं, परिणाम में नहीं। वो किसी काम में जल्दबाजी के भी खिलाफ हैं। कबीर कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। यानी हर काम के परिणाम के लिए हमें धैर्य रखना चाहिए। कर्म करने के बाद परिणाम के लिए उतावलापन जरूरी नहीं है। कबीर कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। यानी संसार के लिए वो लोग जरूरी हैं जो अवगुणों को त्याग कर जीवन में अच्छे गुणों का महत्व बढ़ाएं। हमें ऐसे लोगों को अहमियत देनी चाहिए जो समाज से कुरीतियां खत्म करें। कबीर किसी को भी कमतर करके आंकने के खिलाफ हैं। वो कहते हैं, तिनका कबहू ना निंदिए जो पावन तर होए, कबहू उड़ी आखिन पड़े तो पीर घनेरी होए। यानी किसी को कमजोर समझकर उसकी निंदा नहीं करना चाहिए। जैसे पैर के नीचे दबा छोटा सा तिनका आंख में गिर जाए तो बहुत दर्द देता है, उसी तरह वक्त बदलने पर कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी नुकसान पहुंचा सकता है। नहीं, इसीलिए उन्हें समाज सुधारक कहा जाता है, क्योंकि जितनी गलत चीजें थी, धार्मिक अंधविश्वास, कुरीतियां, उन सब पर वो प्रहार करते थे, जाति पे धर्म पर प्रहार करते थे, खंडन करते थे और मानवता को बड़ा बताते थे। तो वो समाज के क्रिटिक थे, आलोचक थे। समाज के आलोचक का जो आलोचक होता है उसका महत्व तो बढ़ता ही है। जब तटस्थ दृष्टि से हम उसका मूल्यांकन करते हैं तो उसका महत्व तो बढ़ जाता है। कबीर दूसरों में कमियां तलाशने के बदले स्वयं में सुधार की सलाह देते हैं। वो कहते हैं, दोस्त पराए देखी करी चला हसंत हसंत, अपने याद न आवई जिनका आदि न अंत। यानी दूसरों की कमियां देखकर हंसना सभी को आता है, लेकिन लोग हंसते वक्त अपने भीतर की कमियां भूल जाते हैं। कबीर के मुताबिक न गुण छिपते हैं और न गुणी व्यक्ति। वो लिखते हैं, जब गुण को गाहक मिले तब गुण लाख बिकाई, जब गुण को गाहक नहीं तब कौड़ी बदले जाए। यानी जब तक किसी व्यक्ति की खूबियों का पता नहीं होता, हम तब तक उसका सही आंकलन नहीं कर पाते, लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति के गुणों की परख हो जाती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। किसी को भी आंकने में जल्दबाजी सही नहीं है। कबीर कहते हैं, निंदक न्यार रखिए, यानी हमेशा अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो लोग हमारी भलाई का ध्यान रखते हुए हमारी कमियां हमें बताते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।